हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 40 प्रश्न कर चुके थे और ये 41वें क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 350 प्लस प्रश्नों की ये सीरीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और इसमें आपके सभी अप्रैल तक के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट प्रश्न रहेंगे वो शामिल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्वामित्व में पड़ी अनुपयोगी जमीनों के हित के लिए कौन सा प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की? तो की है भूमि प्रबंधन प्राधिकरण। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्वामित्व में पड़ी अनुपयोगी जमीनों को हित के लिए कौन सा प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की है? भूमि प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के प्रथम चरण में भिंड जिले को कितने किसानों का ऋण माफ़ हुआ? भिंड जिले के कितने किसानों का ऋण माफ़ हुआ? तो करीब 86,000 कुछ किसान थे, तो आप याद करिएगा 87 करोड़। तो जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के प्रथम चरण में भिंड जिले के कितने किसानों का ऋण माफ़ हुआ? 87 करोड़। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमपी के नोट्स के लिए परेशानी पड़ रही है, आपको एमपी के नोट्स बुक से पढ़ाई नहीं जाता है, तो मैं अपना मध्य प्रदेश का हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रही हूं, जिसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश वन लाइनर रहेगा। तो आप वो नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 500 रुपीज़ रहेगी और हैंड रिटन रहेगा पूरा नोट्स। तो आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको हेल्प करेगा, साथ में आपको उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा किन किन स्थानों को मिला के? तो मध्य प्रदेश में जो एक टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा वो महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, महेश्वर, मांडू, मोहनखेड़ा और सिंगा जी को मिला के बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा वो किन किन स्थानों को मिला के बनाया जाएगा? महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, महेश्वर, मांडू, मोहनखेड़ा और सिंगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए साक्षरता वृद्धि के लिए कितने कन्या शिक्षा परिसर खोले जाएंगे? ये जनजाति वर्ग की लड़कियों के लिए है, इनकी साक्षरता में वृद्धि के लिए इसमें 82 शिक्षा परिसर खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 82 शिक्षा परिसर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेल चित्रों का दस्तावेजीकरण किस विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जितने भी सेल चित्र हैं उनका दस्तावेजीकरण होगा वो संस्कृति विभाग के पुरातत्व संचालनालय द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? संस्कृति विभाग के पुरातत्व विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कितने प्रमाण पत्र की स्वीकृति दी गई है? तो ये जो प्रमाण पत्र रहेगा इसमें आप तो एक तो आधार रहेगा और ऊपर से आप एक जहाँ पे रह रहे होंगे जो आपका मकान का बिल होगा वो इसमें यहाँ पे वेरीफाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में कितने पर्यटक मध्य प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में पहुँचे? तो 88,683 करोड़ लोग पहुँचे। हाल ही में ओरछा पर्यटन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया? तो 7 करोड़ का आवंटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाग्राम किसके समीप बनाया जा रहा है या किसके समीप बनाया जाएगा? तो जो भोपाल में भारत भवन है उस भारत भवन के समीप ही कलाग्राम बनाए जाएंगे, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए। मध्य प्रदेश में कितनी गौशालाएं बनाई जाएंगी? मध्य प्रदेश में 78 गौशालाएं बनाई जाएंगी। कितनी बनाई जाएंगी? 78 गौशालाएं बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस सुधार और संरक्षण कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 1,365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बांस सुधार और संरक्षण कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के बैंक खातों में भुगतान किस ऐप के माध्यम से हो रहा है? जस्ट इन टाइम। किसानों के बैंक खातों में भुगतान किस ऐप के माध्यम से हो रहा है? जस्ट इन टाइम के माध्यम से हो रहा है। IAS सर्विस मीट 2020 कहाँ आरंभ हुआ? RCVP नरोना प्रशासन अकादमी में IAS सर्विस मीट आरंभ हुआ। ये मी नहीं है फ्रेंड्स, मीट है। तो IAS सर्विस मीट 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो भोपाल में जो RCVP नरोना अकादमी है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है अधिकारियों को, वहाँ पे आरंभ हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना सांची में की जाएगी। कहाँ पे? सांची में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप सांची में है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छोटे दानों का खाद्यान्न उत्पादन और उपयोग बढ़ाने के लिए कौन सा कॉरपोरेशन अपनाया? छोटे दाने मतलब मिलेट, तो मिलेट मिशन कॉरपोरेशन ही बनाया मुख्यमंत्री जी द्वारा छोटे दानों के खाद्यान्न उत्पादन और उपयोग के लिए। नेक्स्ट है, आदिवासियों के पलायन प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस जिले को औद्योगिक जिले के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आदिवासियों के पलायन को रोकने के लिए डिंडोरी जिले को औद्योगिक जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। डिंडोरी ऐसा जिला है जहाँ सिंचित खेती बहुत कम होती है, सिंचाई का प्रतिशत कम होता है। नेक्स्ट है, डिंडोरी जिले के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए ताकि यहाँ पे आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हो? तो 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 5,000 कीजिएगा, 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना आवरण वन बढ़ गया है? वनों का आवरण कितना बढ़ गया है? किसका आवरण बढ़ गया है? वनों का आवरण कितना बढ़ गया है? तो 68.49 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किए गए आंकड़ों के अनुसार सामान्य सघन वन मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर कम हो गया है? तो सामान्य सघन जो वन है वो मध्य प्रदेश में 230 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान शामिल है? तीसरा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वर्ल्ड लाइनर इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आपका नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिले, क्योंकि वर्ल्ड लाइनर में नोट्स बनाना आसान होता है। लाइन वाइज लाइन आपको वही क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ होती है जो केवल न्यूज़ ही रहती है, उनका आपको एग्ज़ाम में आने से कोई मतलब नहीं होता। तो हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे इसी तरह से करंट अफेयर्स के लिए, बीपीएससी प्री के लिए, मेंस की क्लासेस मेरे चैनल पे चल रही है, प्री की चल रही है, और पीईवी का कोई भी एग्जाम आप व्यापम का दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सअप करके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।